हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सो फ्रेंड, ईस्ट सेंट्रल रेलवे आरआरबी पटना की तरफ से ग्रुप डी 2018 अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है 27/8/2021 के डेट में। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये आपका आरआरसी ईसीआर पटना का ऑफिशियल वेबसाइट है। और दोस्तों, यहाँ देखिए 27/8/2021 के डेट में एक सूचना जारी की गई है जो कि आपका ग्रुप डी 2018 अभ्यर्थियों के लिए है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट में। तो देखिए यहाँ पर नोटिस नंबर 51/2019, इंफॉर्मेशन अबाउट डाउनलोडिंग ई कॉल लेटर फॉर अपेयरिंग इन VOC टू प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड नॉन PH फोर्थ एंड PWD फिफ्थ कैंडिडेट एगेंसी EN2/2018। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन आ गई थी जिसमें कुछ कैंडिडेट के लिस्ट में नाम थे, तो उन्हीं के संबंध में दोस्तों ये सूचना है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर को देखने के लिए हम इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और विस्तार से जान लेते हैं कि सूचना में आखिर है क्या। तो वीडियो स्टार्ट करने से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं डायरेक्टली अब नोटिफिकेशन में। सो फ्रेंड्स, ये रहा वो ऑफिशियल सूचना आपकी स्क्रीन पर, पूर्व मध्य रेल रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पटना। तो दोस्तों, यहाँ पर सूचना में देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट में देख लेते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पर केंद्र की रोजगार अधिसूचना संख्या 2/2018 के अंतर्गत सूचना संख्या 50/2019 दिनांक 19/8/2021 के द्वारा अनंतिम रूप से सूचीबद्ध नॉन PH अभ्यर्थी चतुर्थ सूची एवं PWD अभ्यर्थी पांचवी सूची का दस्तावेज सत्यापन से अभ्यर्थी जांच के संबंध में। दोस्तों, ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन आ चुकी थी हमारे चैनल पे, तो उसको जाके आप देख सकते हैं और उसी के संबंध में ये पूरी सूचना है। तब आते हैं पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट में है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर वन पे, तो सूचना संख्या 50/2019 दिनांक 19/8/2021 के द्वारा अनंतिम रूप से सूचीबद्ध नॉन PH अभ्यर्थियों चतुर्थ सूची एवं PWD अभ्यर्थी पांचवी सूची का दस्तावेज सत्यापन स अभ्यर्थी जांच दिनांक 13/9/2021 से 17/9/2021 तक रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पूर्व मध्य रेल पांचवी मंजिल सी ब्लॉक मौर्या लॉक कॉम्प्लेक्स डाक बंगला रोड पटना 8401 में आयोजित की जाएगी। तो फ्रेंड, ये बड़ी खबर है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनका इसमें चयन हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन का। तो दोस्तों, यहाँ पर वेन्यू पूरा डिस्कस कर दिया गया कि कहाँ पर आपका जो ये प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और मेडिकल कहाँ होगा, तो इसकी पूरी सूचना यहाँ पर दे दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन स अभ्यर्थी जाँच हेतु अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर, तिथि एवं समय के साथ विवरण एनेक्शन ए के रूप में संलग्न है। तो दोस्तों, इन सभी कैंडिडेट का जिनका इनका सिलेक्शन हुआ है एनेक्शन ए में, हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में, तो उनका सारा डिटेल यहां पर दे दिया गया है कि किस डेट में कहां पर किस कौन से शिफ्ट में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो पूरी जानकारी दोस्तों हम आपको थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर टू में। देखिए यहाँ पर उपयुक्त तिथि को निर्धारित दस्तावेज सत्यापन स अभ्यर्थी जांच में शामिल होने हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थी दिनांक 9/9/2021 से रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पूर्व मध्य रेल पटना के आधिकारिक वेबसाइट www.rrcecr.gov के होम पेज पर उपलब्ध कराए गए लिंक से अपना बुलावा पत्र डाउनलोड प्रिंट करें। तो दोस्तों, यहाँ बड़ी खबर होने वाली है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो कॉल लेटर है, वो आपका 9/9/2021 के डेट में जो आरआरसी का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो दोस्तों वहां पर आपको क्लिक करके आपको जो अपना कॉल लेटर है वो डाउनलोड करना होगा। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर थ्री में। देखिए यहाँ पर अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन स अभ्यर्थी जाँच हेतु डाउनलोड प्रिंट बुलावा पत्र में अंकित तिथि समय एवं स्थान पर उपस्थित होना सुनिश्चित करे। साथ ही अभ्यर्थी बुलावा पत्र के पिछले पृष्ठ पर उल्लेखित निर्देशों का पूर्व पालन करते हुए दस्तावेज सत्यापन से अभ्यर्थी जांच में शामिल होना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, आपका DV का कॉल लेटर रहेगा, उसके पीछे सारा डिटेल आपका रहेगा, सारा कुछ आपको फॉलो करते हुए अपना DV कराना है। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर फोर में। देखिए यहाँ पर केवल दस्तावेज सत्यापन से अभ्यर्थी जाँच में शामिल हो जाने से या दस्तावेज सत्यापन से अभ्यर्थी जाँच में योग्य पाने जाने से अभ्यर्थियों को रेलवे भर्ती का कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब आपका DV में सिलेक्शन हुआ, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हुआ, दैट डजंट मीन कि आपको नौकरी हो गई रेलवे की। रेलवे में नियुक्ति अभ्यर्थी को उनकी मेधा की स्थिति एवं भर्ती से संबंधित अन्य पात्रता की पूर्णता पर निर्भर
करता है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए, प्लस आपका जितना DVA के दौरान जो भी डॉक्यूमेंट आपको रहते हैं तो वो सक्सेसफुली वहाँ पर वेरीफाइड होने चाहिए, तभी आपको रेलवे की नौकरी मिल सकती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 में। देखिए यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन से अभ्यर्थी जाँच के अगले दिन अभ्यर्थी चिकित्सा जाँच हेतु पूर्व मध्य रेल के मंडल चिकित्सालय यथा धनबाद, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सोनपुर एवं समस्तीपुर में से किसी एक मंडल चिकित्सालय में खाली पेट बिना खाए उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों ये आपके पास 3-4 रेलवे का हॉस्पिटल है, यहाँ तो यहाँ पर दोस्तों आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो आपको वहाँ पर खाली पेट जाना है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि चिकित्सा जाँच में एक दिन से ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए अभ्यर्थी चिकित्सा जांच में शामिल होने की हेतु एक दिन से ज़्यादा समय लेकर चिकित्सा जांच में शामिल हो। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए एक से ज़्यादा दिन का समय लग सकता है, तो उस तरह से अरेंजमेंट होकर आप अपना DVA और मेडिकल के लिए आए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 में। देखिए यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन से अभ्यर्थी जाँच एवं चिकित्सा जाँच में शामिल होने हेतु ठहरने एवं खाने पीने आदि की व्यवस्था स्वयं करें। तो समझ गए दोस्तों, अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 में। यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रकार के अनाचार एवं अनुशासन भंग में लिप्त पाए जाते हैं तो उनकी अभ्यर्थी निरस्त कर दी जाएगी और भविष्य में रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा होने वाले भर्ती प्रक्रिया में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा एवं कानूनी प्रक्रिया भी चलाई जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको सही से ईमानदारी से आपको जॉब हासिल करनी है। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 8 में। दस्तावेज सत्यापन से अभ्यर्थी जांच से संबंधित किसी प्रकार की सूचना रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पूर्व मध्य रेल के आधिकारिक वेबसाइट www.rrc.gov.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि निरंतर वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। तो दोस्तों आपको सारे अपडेट यहीं पे मिलेंगे RRC के ऑफिशियल वेबसाइट में। पॉइंट नंबर 9 में आते हैं। तो दस्तावेज सत्यापन से अभ्यर्थी जाँच में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव प्रसार की रोकथाम के लिए MOH NFW एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी गाइडलाइन का पूर्व पालन करेंगे, साथ में मास्क का उपयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटाइजर एवं साबुन इत्यादि का उपयोग करना भी सुनिश्चित करें। तो दोस्तों COVID-19 की जो महामारी है उसके रोकथाम के लिए जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की गई है तो उसको आपको फॉलो करना है अपने DVA और मेडिकल के दौरान। अब आपको दिखाते हैं दोस्तों ये एक NXF A का फाइल है। तो देखिए यहाँ पर डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कैंडिडेट वेरिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कैंडिडेट का किस डेट में वहाँ पर DVA होगा और कौन से शिफ्ट में होगा, तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन कर दिया गया है। साथ में साथ यहाँ पर टाइम भी मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में इतने लोगों को वहाँ पर DVA होगा सुबह 9:30 बजे से, और उसके बाद सेकेंड शिफ्ट का देखिए यहाँ पर इतने सारे कैंडिडेट का सेकेंड शिफ्ट में होगा तो इनका रिपोर्टिंग टाइम है दोपहर को 1:30 बजे। तो मॉर्निंग शिफ्ट में जो जाएंगे जिनका, तो उनका टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे और 1:30 बजे दोपहर वालों का। उसी तरह से दोस्तों आपको 14 तारीख के डेट में भी होगा, और उसके बाद 15 तारीख के डेट में भी होगा, और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट जो हमारा होगा वो आपका 16 और उसके बाद 17 तारीख के डेट में, 17 तक ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन का जो आपका शिफ्ट बाई शिफ्ट है इन सभी लोगों को बुलाया जाएगा और इनका DVA और मेडिकल कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो फ्रेंड, अगर इसमें आपका नाम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जल्दी से सक्सेसफुली DVA करवा लीजिए और रेलवे की नौकरी पा लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।